छठवें स्कंद में अजामिल का उपाख्यान सुना है कि किस प्रकार से अजामिल कैसा दुष्ट था। लेकिन हम लोग तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि अजामिल बहुत दुष्ट था, लेकिन ध्यान देना एक बात हम जरूर कहेंगे, क्योंकि अजामिल की कथा से हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। अजामिल के पिताजी परम तपस्वी थे, ब्राह्मण कुल में जन्म, और यज्ञ करने के लिए अजामिल जो था, अजामिल बाल्यावस्था में अपनी पिताजी के यज्ञ के लिए जंगल से लकड़ी लाना, पुष्प लाना, जल लाना, पिताजी की पूरी सेवा करना, इतना अच्छा लड़का था कि पूछिए। 12-15 साल तक इतना भक्तिमय उसने जीवन व्यतीत किया कि पूछिए। लेकिन अजामिल बिगड़ा कहां? अजामिल बिगड़ा क्यों? एक जगह, एक दिन अजामिल गया था जंगल में लकड़ी लाने के लिए, लेकिन उस जंगल में गया तो एक दुष्ट आदमी एक वेश्या के साथ संग कर रहा था, और उसकी नजर अजामिल की उस दृश्य पर पड़ गई। उस दृश्य को देख करके आया और दिन रात उसको दिमाग में वही चीजें चलने लगी, घूमने लगी, और उसका इतना पतन हुआ कि एक दिन वो अजामिल उसी वेश्या के पास जाने लगा, उसी वेश्या के पास। इसलिए अजामिल इतना निष्ठापूर्वक धर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाला बच्चा एक बार केवल ऐसे दृश्य को देख करके पूरे जीवन को नरक बना लिया। और आज हम लोगों के घर में बच्चों को देखो, 12-12 साल के बच्चे हैं, बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर के दिन भर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और जानते हैं मोबाइल कितना खराब है, परमाणु बम से भी खतरनाक है साथ। परमाणु बम से तो आदमी एक ही बार में मर जाएगा, लेकिन ये मोबाइल इतना खराब है कि आपको तिल तिल करके मारेगा साहब, तिल तिल करके। इसलिए जो दिन रात मोबाइल में घुसा है वो पढ़ पाएगा, वो आचरणवान बन पाएगा, वो संस्कारी बन पाएगा। 12 साल का लड़का हुआ, बोला पिताजी मोबाइल दिलवाइए, नहीं अभी हम जहर खा के मर जाएंगे। बोले बेटवा मर मत, मोबाइल ले ले इत्थे, तू ले ले जोन करे को करे। ये दशा है। आप देखो दिन भर फोन, दिन भर फोन, ये पढ़ पाएंगे लड़के? आज कहते कंपटीशन बहुत टफ हो गया, कंपटीशन बहुत आसान हो गया, कंपटीशन बहुत आसान हो गया, टफ नहीं हो गया। जब तुम पढ़ोगे ही नहीं तो टफ तो है ही है, जब तुम्हारा दिमाग स्थिर है ही नहीं तो टफ तो है ही है। पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन इतनी हमारी बुद्धि विकसित नहीं हुई है कि हम मोबाइल का प्रयोग सही से कर सकें, इसलिए हमें अपने मोबाइल को बचा करके रखना चाहिए, बचा कर। जब तक लड़का 20-22 साल का नहीं हो जाता, हम तो कहेंगे उसके हाथ मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मत दो मोबाइल, उतना जरूरी मोबाइल नहीं है, अभी पढ़ने लिखने दो, उसका जीवन बनने। इसलिए मोबाइल बहुत खतरनाक है। अजामिल के चरित्र को श्रवण करके हम लोगों को लगता है केवल एक दृश्य आदमी को पतित कर सकता है, केवल एक दृश्य, और केवल एक बार उस दृश्य को अजामिल ने देखा था, और पूरा जीवन यहां तक कि अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया, वेश्या के पास ही जाने लगा, वेश्या के पास ही जाने लगा। इसलिए भैया बहुत मान मर्यादा और बहुत अपने संस्कृति सभ्यता को नजर में रख करके आप अपने जीवन को यापन करेंगे, तभी यापन कर पाएंगे, नहीं तो इस कलयुग में बहुत संभल करके चलने की जरूरत है, बहुत संभल करके चलने की जरूरत है। और हम तो कहते हैं बेटा पैदा करके अगर आपने
उसको सतमार्ग पर पहुंचा दिया तो आपने जानना कि आप अपने जीवन को जी लिए, आप अपनी जिंदगी को सफल बना लिए। सबसे बड़ा आज का चैलेंज है इस गंदे समाज से अपने बच्चे को निकाल करके सतमार्ग पर ले जाकर के पहुंचा देना, यह सबसे बड़ा चैलेंज है एक माता पिता का, सबसे बड़ा चैलेंज। इससे बड़ा चैलेंज हमें कुछ नहीं लगता है। पैसा कमाना बहुत छोटी बात है, व्यवसाय करना, पैसा तो कैसे भी आदमी कमा लेता है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें ही लोग फेल हो रहे हैं 80% 90%। तो इसलिए अजामिल अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया।